राज्य में नई सरकार के कार्यकाल के दौरान खोवाई अजगरतिला गांव के लोगों की लंबे समय ऐसी चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। तांग चौमुनी ऐसी अजगर तक की आधी सड़क खोवाई नदी में डूबी हुई है। खोवाई राधांगर रोड ऐसी सड़क तांग चौमुनी क्षेत्र ऐसी अजगरतिला तक जाती है। खोवाई लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चौमुनी ऐसी अजगरतिला तक की सड़क आधा किलोमीटर सड़क खोवाई नदी के साथ चलती है। लंबे समय ऐसी स्थानीय लोगों को सड़कें टूटने की समस्या थी। छोटे ऐसी मध्यम वाहनों को चलाना खतरनाक था, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। सड़क के एक हिस्से के दाईं ओर खोवाई नदी का भारी कटाव है। नदी के कटाव को रोकने के लिए बोल्डर लगाने का काम चल रहा है। पश्चिम गंगी ग्राम पंचायत के उप प्रमुख अनिमेश नाग ने कहा कि इलाके के लोगों ने लंबे समय ऐसी मांग की थी कि खोवाई नदी को नष्ट करने के लिए विभाग उचित कार्रवाई करे। अतीत में मिट्टी के साथ नदी के कटाव को रोकने के लिए प्रयास किए गए था, लेकिन स्थानीय लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। राज्य की गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद सड़क की मरम्मत की गई थी। हमेशा की तरह नदी के कटाव को रोकने के लिए 25 मीटर भूमि के कटाव को कुछ दिन पहले बोल्डर ऐसी रोका गया था। वर्तमान में 30 मीटर ऐसी अधिक भूमि को नदी के कटाव ऐसी बचाने के लिए काम जोरों पर है। यह कार्य गांव के लोगों के प्रति वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उधर गांव के एक निवासी ने कहा कि गांव के लोग लंबे समय ऐसी सड़क की मरम्मत के लिए सरकार ऐसा ही मांग कर रहे था। गांव के लोग बहुत खुश है कि वर्तमान वाम मोर्चा सरकार ने इस सड़क के लिए कोई काम नहीं किया है। जे हमरा जनगण बा ग्रामेर सुख सुविधार जन्नो तो हमरा करते लगबो दाबी करते लगबो और हमरा आगामी दिने जेनो हमरा रास्ता गुलिता जे असुविधा गुला हमरा जेनो सक्सेसफुल करार जन्नो जे सरकार हमरा के नजर दित और जे हमरा কোনো কিছু অসুবিধার কারণে হাসপাতালে বা যে কোনো অসুখ বিসুখের জন্য আমরা আবেদন করতে গেলে আমরা কেউজন যে ড্রাইভারগুলো আজ পর্যন্ত এই রাস্তা নিয়ে এই রাস্তার সমস্যা দিয়ে ড্রাইভার আজ পর্যন্ত হয়ে থাকে, তার জন্য আমরা আগামী দিনেও এই রাস্তাগুলি যেন আমরা ঠিক করতো ঠিক হইতো সরকারের যেন আমরা লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করলাম। এলাকার নাগরিকবৃন্দের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে খোয়াই নদীর ভাঙ্গন রোধ করার জন্য বোল্ডারের খুবই প্রয়োজন, কারণ তাছাড়া মাটি দিয়ে বিগত বাম জমানায় যেটা হয়েছিল মাটি দিয়ে তারা ভাঙ্গন রোধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা যখন দাবি জানিয়েছিলাম যে খোয়াই নদীর ভাঙ্গন রোধ করা একান্ত প্রয়োজন এবং বোল্ডারের প্রয়োজন, রাজ্য সরকার গ্রামবাসীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নদীর ভাঙ্গন রোধের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নিয়েছে প্রথম পর্যায়ে গত বছর কিছু বোল্ডার দিয়ে ভাঙ্গন রোধ করার চেষ্টা করেছে এবং বর্তমান সময়ে আরও 30 মিটার অতিরিক্ত বাড়িয়ে সেখানে বোল্ডার নির্মাণও হয়ে গেছে এবং সেগুলো সাজানো হচ্ছে। আমরা রাজ্য সরকারকে গ্রামবাসী হিসেবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে গ্রামবাসীর এই দীর্ঘদিনের দাবিকে পূরণ করার জন্য।